मेरी कहानी का शीर्षक है अहंकार, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। एक बार अर्जुन गए वन में फूल लेने के लिए, तो जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ा, हनुमान जी वहां सोए हुए थे, तो उनको जैसे आवाज आई उन्होंने कहा, भाई क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं अर्जुन हूँ। तो कहते, तो तुम क्या कर रहे हो? कहते, मैं फूल लेने आया हूँ। कहते, तो कम से कम जहाँ फूल लेने आए हो उससे परमिशन तो ले लो, बिना पूछे फूल लेना तो चोरी है। कहते हैं कि नहीं, तुम किसके लिए फूल लेने आए हो? कहते, मैं तो भगवान कृष्ण के लिए फूल लेने आया हूँ। तो हनुमान जी जो है ना, मुस्कुरा दिए। तो अर्जुन ने कहा, भाई आप मुस्कुराए क्यों है? कहते, तुम्हारा भगवान ही चोर है, तो तुम अगर चोरी करोगे तो कोई बात नहीं, ले जाओ जितने फूल ले जाने हैं। उनको बड़ा गुस्सा लगा अर्जुन को कि ये हमारे भगवान को चोर कह रही है। तो कहते, आप ये कैसे कह सकती है? आपके भगवान चोर नहीं है। आपके भगवान ने क्या किया था? एक पुल बनाने के लिए भालुओं को, बंदरों को, सबको काम पर लगा दिया। वो कोई सही काम था? तो कहते हैं कि वो तो सही था। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम एक बात बताओ, तुम जो है ये नदी पर पुल बना सकते हो? उन्होंने कहा, हाँ बना सकता हूँ। तो बनाओ। तो उन्होंने, अर्जुन ने जो है पुल बना दिया। तो उसने, हनुमान जी ने कहा कि अब इस जो राम जी ने पुल बनाया था उस पे तो हजारों वानर और भालू सभी सेना जो है चल के गई थी और लंका पहुंच गई थी। अगर तुम्हारे पुल से एक वानर भी चल जाए तो मैं मानूंगा तुम्हारी शक्ति को। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही अर्जुन ने पुल बनाया तो हनुमान जी ने कहा, अब मैं एक वानर मैं हूं और मैं इस पर चढ़ के दिखाऊं? कहते, हाँ चढ़ के दिखाओ। कहते, पक्का मजबूत है? कहता, हाँ बिल्कुल मजबूत है। कहते, सोच लो टूटेगा तो नहीं? कहता, नहीं टूटेगा किसी भी हालत में। उन्होंने कहा ठीक है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बनाया और जैसे ही विशाल रूप बनाया उससे सूरज भी ढक गया और अर्जुन की तो आंखें ही बंद हो गई। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, ये तो बहुत गड़बड़ कर दी मैंने। तो जैसे ही हनुमान जी ने एक पैर रखा पुल पर और पुल तो गया पाताल में। तो उन्होंने कहा, अर्जुन कहाँ है तुम्हारा पुल? तुम तो कह रहे थे बड़ा मजबूत है, तुम्हारे पुल पे तो एक पैर भी नहीं, एक वानर का एक पैर भी नहीं से भी नहीं टिका। तो उन्होंने कहा कि जब पहले जो है ना, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा पुल टूट गया तो अर्जुन ने उसको बोला था हनुमान जी को कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर मेरा पुल टूट गया। तो फिर अर्जुन ने जब देखा कि पुल तो गया तो अर्जुन ने क्या किया, अपने लिए जो है वो याद बनानी शुरू कर दी चिता और लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी कि भैया हम तो अब मरेंगे क्योंकि मैं तो क्षत्रिय हूँ, वचन का पालन करता हूँ, अब तो मुझे मरनी पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, ऐसा है, जीवन बड़ा अनमोल है, तुम मरो मत। कहते, नहीं हमारा तो वचन जो कह दिया वो करेंगे ही। कहते, नहीं मान जाओ, जीवन बहुत अनमोल है, तुम ऐसे व्यर्थ मत करो। तो अर्जुन नहीं माना। तो हनुमान जी ने जो है भगवान कृष्ण को प्रार्थना की, भगवान जी जरा बचाओ, आपको आना ही पड़ेगा, अब मैं इसको कैसे बचाऊं? तो हनुमान जी और कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए। तो उन्होंने अर्जुन से कहा, भक्तराज क्या कर रहे हो? कहते, निचिता ये आग क्यों जला रहे हो? रोटी बनानी है क्या? कहता, रोटी नहीं बनानी, रोटी बनाने वाला ही जा रहा है, अब रोटी नहीं बनेगी। तो कहते, क्यों क्या हो गया? कहते, ऐसे ऐसे हमारी शर्त लगी थी, हनुमान जी जीत गए और मैं तो, आपको पता है कि एक क्षत्रिय जो है वचन का पालन करता है, करना चाहिए ना? कहते, बिल्कुल करना चाहिए, आपको तो वचन का पालन करना बहुत जरूरी है। तो कहते, बस मैं फिर वो ही कर रहा हूँ। कहते, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम दोनों ने शर्त लगाई थी तब तीसरा कोई था वहां कि अगर कोई हार गया है या कोई जीत गया तो उसको ये करेंगे या वैसा करेंगे, ऐसा कोई था निर्णय लेने वाला? कहते, दो लोगों में शर्त कैसे होती? जब तक तीसरा निर्णय लेने वाला ना हो तो उस शर्त का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने कहा अर्जुन से, तो क्या तुम दोबारा से पुल बना सकते हो? उन्होंने कहा, हाँ बना सकता हूँ। कहते, अब निर्णय मैं लूंगा, अब तुम पुल बनाओगे, हनुमान जी जब इस पे चढ़ेंगे तो निर्णय लेने का काम मैं करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो अर्जुन ने जो है पुल बना दिया।
अब हनुमान जी ने फिर अपना विशाल रूप बनाया, पुल पर चढ़ गए और पार भी हो गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। उन्होंने पुल के नीचे झागा, गए अच्छा कृष्ण जी तुम हो कश्यप का रूप धारण करके, तभी ये पुल टूटा नहीं है। तो वो आ गए तो अर्जुन, उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि भाई मैं तो शर्त हार गया, अब तुम्हें जो सजा देनी है वो दे दो। अर्जुन से कहा क्या देना चाहते, कहते मैं तो जरूर दूंगा सजा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अब नहीं रुकूंगा। तो कृष्ण जी जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपना रूप प्रकट कर दिया कृष्ण के रूप में। कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, हर बात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जब वक्त आएगा तब हम इनसे जो चाहिए होगा मांग लेंगे। तो अर्जुन ने कहा ठीक है मांग लेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद वहां कौरवों पांडवों का युद्ध शुरू होने वाला था, तो जो है कृष्ण ने कहा कि अब हमें जाना चाहिए वानर के पास। कहते वानर क्या करेगा, मैं तो नर हूं। कहते नर को भी नारायण की जरूरत पड़ी थी, तो नारायण को भी वानर की जरूरत पड़ी थी, तो तुम क्या चीज हो, चलो अब मेरे। कहते मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो उससे डर लगता है, वो मुझे पता नहीं क्या करेगा। तो कहते एक शर्त पे जाऊंगा कि भगवान आप भी मेरे साथ चलो। तो भगवान ने कहा ठीक है चलता हूँ मैं भी साथ। वहां गए तो हनुमान जी से कहा भाई हमारा जो है ना युद्ध शुरू होने वाला है, अब हमें आपकी जरूरत है। कहते मेरी क्या जरूरत है, मेरी तो एक आदत है, मेरी शर्त है कि मैं तो भक्ति करता हूँ हर टाइम, और अगर मेरी भक्ति का वहां पर कोई इंतजाम हो जाए तो मैं चलता हूँ। उन्होंने कहा हम युद्ध करने जा रहे हैं या सत्संग में जा रहे हैं। कहते जो मर्जी कहो, लेकिन मैं बिना भक्ति के रह नहीं सकता। तो कृष्ण जी ने कहा ठीक है आपका इंतजाम हो जाएगा। और हनुमान जी आ गए और वहां जो अर्जुन का रथ था उस पर वो ध्वजा कपी ध्वजा, जो उसका झंडा फहराता था उसका नाम था कपी ध्वजा, उस ध्वजा में हनुमान जी विराजमान हो गए। तो युद्ध शुरू हो गया। अब अर्जुन जैसे ही सामने करण था, करण भी बराबर का शक्तिशाली था, लेकिन क्योंकि अर्जुन के रथ में तो हनुमान जी थे कृष्ण जी थे दोनों ही शक्तिशाली थे, तो वो जैसे ही तीर चलाता था अर्जुन तो कर्ण का रथ पीछे चला जाता था, लेकिन जब कर्ण रथ तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा देखा भगवान मेरा रथ तो पीछे हिलता भी नहीं है जरा भी, और करण का रथ तो फटाफट हिल जाता है। कहते तुम्हारे ऊपर वो ध्वजा फैला रही है ना, वो ऊपर बैठा है, इसकी वजह से तुम्हारा रथ नहीं हिल रहा, तुम गलती में मत रहो। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने कहा कि मैं इनको इसलिए लाया हूँ, मैं गीता का उपदेश अर्जुन को देने के लिए नहीं लाया, मैं तो हनुमान जी को सुनाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि उनको भक्ति की आदत है, तो गीता का उपदेश तो मैं कृष्ण को वो हनुमान जी को सुना रहा हूँ। तो जब युद्ध ऐसे हुआ तो कृष्ण ने सारे गीता के उपदेश सुनाए, हनुमान जी की भक्ति भी चालू रही। उन्होंने कहा भी राम तो युद्ध स्थल में भी हमें ज्ञान दिया करते थे, आप भी ज्ञान दे रहे हैं। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई अर्जुन तुम उतरो रथ से। उन्होंने कहा भगवान मैं क्यों उतरू, पहले आप उतरो। कहते नहीं मैंने तुम्हें कहा है तुम पहले रथ से उतरो। फिर अर्जुन रथ से उतरा, भगवान कृष्ण भी रथ से उतरे। फिर उन्होंने कपी से कहा, प्रार्थना की हनुमान जी से, अब आप भी जाइए, आपका रोल अब खत्म हो गया, अब आप भी नीचे आ जाइए। जैसे ही हनुमान जी नीचे उतरे वो रथ जल गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, रथ क्यों जल गया। तो कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को कि ये रथ तो पहले जल चुका था, ये तो ये ऊपर बैठे हुए थे ना, इन्होंने संभाल रखा था, वरना तो ये रथ तो पहले का जल चुका था। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना धन कितना वैभव कितनी भी हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब करवाने वाला ऊपर बैठा है। अगर उसकी ताकत हमारे पास नहीं होगी तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी सफलता में हमेशा अपने आप को झुका कर चलना है, सिर उठाकर नहीं चलना, क्योंकि अहंकार ही विनाश का कारण है।